नमस्कार दोस्तों, अगर आप बालों की झड़ने की समस्या से परेशान हैं या अगर आपके बाल बहुत ही मात्रा में झड़ते हैं, रोज़ाना सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो आप देखते हैं आपके बाल आपके तकिए के आसपास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं, तो अगर आपको देख करके परेशानी होती है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने बालों का झड़ना एक ही सप्ताह में बंद कर सकते हैं। अगर आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, अगर आपके बाल ज़्यादा मात्रा में बढ़ते नहीं हैं, सिर्फ झड़ते हैं और सफ़ेद होते हैं, तो आपके लिए यह नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। इसका प्रयोग अगर आप एक हफ्ते करते हैं तो देखेंगे आपके बाल लंबे, काले और घने चमकदार हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इस रेमेडी को दो हिस्से में बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको अपने बालों को धोना कैसे चाहिए, किस तरह से आप अपने बालों को धो सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको रेमेडी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको अपने बालों को कैसे धोना चाहिए। दोस्तों हम सभी के घरों में चावल अवश्य बनता है। चावल धोने के बाद हम अक्सर पानी को फेंक देते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में दादी नानी हो तो आप एक बार उनसे चावल के पानी के बारे में पूछ सकते हैं। अंततः गाँव ज्वार में सभी लोग जानते हैं कि चावल का पानी हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा हुआ है कि वे लोग चावल का पानी अपने बालों में लगाते हैं, धोते हैं। इनसे उनके बालों को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है और उनके बाल बुढ़ापे तक भी बहुत ही काले नज़र आते हैं, सफ़ेद नहीं नज़र आते हैं। तो आपको क्या करना है, रोज़ाना सुबह चावल बनाते हैं उसी पानी का आप प्रयोग करें, अपने बालों को धो लें। और दोस्तों नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक क्लीन बॉल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ले लीजिए एक चम्मच की मात्रा में नींबू का रस। नींबू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है, और आप सभी लोग जानते हैं हमारे बालों के लिए नींबू कितना फायदेमंद होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अगला चीज लेना होगा, वह है दोस्तों ये कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो उसमें मिलावट हो सकता है, हो सकता है वो आपके बालों के लिए इतना फायदेमंद नहीं हो। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप कच्ची घानी शुद्ध सरसों का प्रयोग करें। इसे बनाने के लिए आप यहाँ पर ले लेंगे इतना मात्रा में, यह हमारे बालों के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डाल लें ये दोस्तों ये आंवला का तेल। आंवले के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई जैसे तत्व होते हैं। और दोस्तों आंवला का तेल अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल कहीं पकते नहीं हैं, सफ़ेद नहीं होते हैं। तो हम यहां पर दोस्तों लेंगे जितना आपने सरसों का तेल लिया था उतना ही आप यहां पर आंवला का तेल लीजिए। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको सबसे पहले अपने बालों को चावल के पानी से धोना है, और उसके बाद स्नान करने के बाद या फिर स्नान करने से पहले आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाइए और वहाँ पर हल्के हल्के मसाज कीजिए, और मसाज करने के बाद आधे घंटे तक इसे रखिए और उसके बाद धो लीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करते हैं तो इससे आपके बालों का झड़ना एक ही हफ्ते में रुक जाएगा, आपके बाल लंबे, घने और काले हो जाएंगे।